आज आप लोग काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे उसमें ट्रांसटिव वर्ब और ट्रांसटिव वर्ब क्योंकि अगले दिन आपको एक्टिव पैसिव जब पढ़ाए जाएंगे तो उसमें आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए ये समझाना आवश्यक है कि ट्रांसटिव वर्ब और ट्रांसटिव वर्ब क्या है काइंड्स ऑफ वर्ब में दो तरीके की मुख्यता बर्फ आती हैं जो ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब। जबकि वर्ब कुछ और भी होती हैं वो आगे बताएंगे लेकिन इन दोनों में ट्रांसटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया इन ट्रांसटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक जिस क्रिया में कर्म जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है ऑब्जेक्ट वह होती है ट्रांसटिव पर्व और जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो होती है इंस्ट्रांसटिप पर्व एग्जाम्पल देखें यहां पर रीता सिंग्स ए सॉन्ग रीता एक गीत गाती है गाती है क्या गाती है एक गीत क्रिया के हिंदी अर्थ में क्या और किसको लगा देने से ऑब्जेक्ट मिलता है किसको लगा देने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था और क्या लगा देने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है ये हो गया सीज बीपिंग देर वहां रो रही है सीज बीपिंग वह रो रही है देयर मीन वहां ये जो देयर है ये एडवर्व है वहां रो रही है रोने का कार्य वहां पर हो रहा है ऐसी स्थिति में यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है क्या किसको लगाने से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है सीमा कुक्स फूड सीमा भोजन पकाती है क्या पकाती है भोजन पकाती है ऑब्जेक्ट है दे आर लाफिंग वे हंस रहे हैं नो ऑब्जेक्ट इंस्ट्रास्टिक बर्ब हो गया ही हैल्प हर उसने उसकी सहायता की किसको सहायता की हर को सहायता की उसको सहायता की ऑब्जेक्ट है वी आर गोइंग हम जा रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इंट्रांस बर्फ हो गया कुछ बर्फ्स ऐसी होती हैं जो दोनों तरीके से कार्य करती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता भी है नहीं भी होता है तब भी काम करती हैं कितना डिफरेंस उनमें होता है इसको भी समझना है सम अदर काइंड ऑफ बर्फ दैट एक्ट बूथ साइड बूथ साइड वर्क करती हैं जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे आप रीमा मूव्स द चेयर रीमा कुर्सी को घुमाती है कुर्सी को घुमाती है क्या घुमाती है कुर्सी ऑब्जेक्ट है घुमाने का कार्य यही वाक्य यहां पर आ गया दी अर्थ मूव्स पृथ्वी घूमती है इस तरीके से ये इंट्रांसटिव वर्ब हो गया यहां पर यही बर्ब्रांसटिव वर्ब का काम कर रही है द गर्ल हैज ब्रोकन द ग्लास लड़की ने ग्लास को तोड़ दिया है क्या तोड़ दिया है ग्लास को तोड़ दिया है ट्रांसटिव वर्ब। द ग्लास ब्रोक शीशा टूट गया शीशा टूट गया इंटरास्टिव वर्ब हो गया दे ओपेंड द डोर उन्होंने दरवाजा खोला क्या खोला दरवाजा ऑब्जेक्ट है द डोर ओपेंड सोम दरवाजा शीघ्र खुल गया दरवाजा खुद खुल गया है इंट्रास्टिव बर्ब हो गया ही वॉक्स हिज हॉर्स वह अपने घोड़े को घुमाता है किसको घुमाता है किसको घुमाता है सजीव है अपने घोड़े को हिज हॉर्स वॉक्स उसका घोड़ा घूमता है यह इंट्रास्टिव हो गई दे लाफ्ड एट हर्थ लाफ्ट के बाद लाफ्ट के बाद एट जब आता है तो उसका मीन्स होता है किसी पर हंसना या किसी का मजाक बनाना दे लाफ्ट एट हर का मतलब है उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई या उन्होंने उसका मजाक बनाया लाफ्ट हर। और दे लाफ्ट वे हंसे ये ट्रांसटिबर है, ये ट्रांसटिबर तो इसी तरीके से आप अपने आधार पर ऐसे सात वाक्य बनाएं, स्वतः उनको हिंदी बनाएं, उनका ट्रांसलेट करें ट्रांसटिव वर्ब में भी करें और इन ट्रांसटिव वर्ब में भी करें दोनों को अच्छे ढंग से आपको समझना है कि क्या है ट्रांसटिव वर्ब, क्या है इन ट्रांसटिव वर्ब। इसी के आधार पर अगली कड़ी में आपकी मुलाकात एक्टिव पैसिव से होगी जो जीवन भर काम आने वाली चीज़ है आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए